एक तरफ जहां कोरोना संकट में लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, वहीं खंडवा में अनाज माफियाओं द्वारा लगातार पीडीएस के अनाज की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। दरअसल खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी में खाद्य विभाग और कोतवाली पुलिस की टीम ने मिलकर राज्य आपूर्ति निगम के खाद्यान्न की हेरा फेरी करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। खाद्यान्न मिला है, शासकीय योजनाओं के मद का है, अवैध स्थान पर खड़े होने से एवं पाए जाने से इनको जब्ती की कार्रवाई कर ली गई है, पुलिस थाने में रखी गई है और इसमें विस्तृत जांच करके कितने क्या ट्रक खड़े थे सर, पूरा विस्तार से बताइए। मेरी जानकारी के अनुसार और आप लोगों को मालूम है, 2-5 ट्रकों का मुझे मालूम पड़ा है कि 5 ट्रक खड़े थे जिनको जब्ती। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि स्थानीय ठेकेदार है जो कि सोसाइटी का और इस प्रकार की योजनाओं का राशन का उसका लाइसेंस है उसके पास में, और वो अपने घर पे ट्रक खड़े करें और उसमें कुछ हेराफेरी की संभावना हो रही है, इस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम वहाँ जाकर कार्रवाई रेड की गई, तो उसमें सूचना के अनुसार थोड़ा सा पाया गया कि उसमें कुछ हेराफेरी हुई है। इस पर से प्रशासन की और खाद्य विभाग अधिकारी और अन्य अधिकारी को सूचित किया गया, सब मौके पर पहुँचे और मौके पर अभी कार्रवाई जारी है और उस कार्रवाई के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभिरक्षा में जो स्थानीय जो युवक है असलम पिता कासम चौहान और उसके 2 अन्य नौकरों को उसमें अभिरक्षा में लिया है। अभी 5 ट्रक खड़े पाए गए थे, उन 5 ट्रक में उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके नापतोल किया जा रहा है और उसके उपरांत। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी राशन की हेराफेरी किसके इशारे पर हो रही है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत लाड़ की रिपोर्ट।